कमल है, सब जेठाल का ही नाम ले रहे। क्या हुआ, हो गई मेहता साहब से बात? टिकट बुक हो जाएगा ना? मेहता साहब से बात हुई, अय्यर से हुई, सोड़ी से हुई, किसी की कोई पहचान नहीं है। सबने मुझे एक ही सलाह दी, जेठाला से बात करो, वो कुछ कर सकता है। तो आप क्या मुहूर्त देकर जेठा भाई से बात करने वाले हो? फोन कीजिए ना। नहीं, मैं जेठा से बात नहीं करूंगा। अरे क्यों नहीं करेंगे? जिस सवाल का जवाब तुम्हें पता है माधवी, वो क्यों पूछ रही हो तुम? तुम्हें पता है ना जेठाले से वो मेरे साथ झगड़ा किया। हाँ तो? तो क्या, तो माधवी मैं नहीं बात करूंगा। वाह, का ईगो है साहिबान सा? मतलब रत्नागिरी नहीं जा पाएंगे, घूमने का एक गोल्डन चांस मिल रहा है वो नहीं ले पाएंगे, वो चलेगा आपको, लेकिन अपना अभिमान थोड़ा सा बाजू में रख के जेठा भाई से बात करेंगे वो नहीं होगा आपसे। वाह माधवी, ये अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है। अभी जेठा भाई से बात करने में स्वाभिमान कहाँ से आ गया? स्वाभिमान कहीं से आता नहीं है माधवी, वो इंसान के अंदर होता है। मैं बात नहीं करूंगा। क्यों, आप बात करेंगे तो छोटे हो जाएंगे? बात छोटे बड़े की है ही नहीं माधवी। तो किस बात की है माधवी? तुम अभी बिना मतलब बहस कर रही हो मुझसे। नहीं अजी बात नहीं, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, आप उसको बहस समझ रहे हो। और सुबह जेठा भाई और आपके बीच जो भी हुआ वो आपकी नजर में झगड़ा था, लेकिन मेरी नजर से तो बच्चों की वजह से हुई है, एक बच्चों जैसी बहस थी जिसे बच्चे तो कब के भूल चुके हैं, लेकिन आप है कि उसको मन में रख के बैठे हैं। हाँ तो फिर उसने मुझे कितना भला बुरा सुनाया? तो ठीक है ना, हमारा गोकुलधाम एक परिवार है और परिवार में ऐसी नोकझोंक होती रहती है। जेठा भाई ने आपको चार बातें सुनाई, आपने उनको सुनाई, हो गई ना फिटम फट? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अभी जिंदगी भर जेठा भाई से बात ही नहीं करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है माधवी, अभी शाम को सोडा शॉप पे मिलेंगे तो बात तो होगी। तो अभी बात करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैं अभी बात नहीं करूंगा। नहीं मतलब कर ले, मेरे भाई के यहाँ जाने का प्लान है ना, तो आप क्यों करेंगे जेठा भाई से बात? अगर आपका खुद का काम होता तो आप इमिडिएटली बात करते, लेकिन अभी नहीं करेंगे। आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना कि आपको रत्नागिरी जाना ही नहीं है। अरे ए, रुको माधवी, रुको, तुम नाराज क्यों हो रही हो? ठीक है बाबा, मैं लगाता हूँ फोन जेठालाल को, लेकिन अगर उसने भाव खाया ना। कुछ भाव भाव नहीं खाएंगे, आप फोन तो कीजिए उनको। ठीक है करता हूँ। इसमें 6 साल का वारंटी। ये पीस है, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है? माइंड ब्लोइंग है। और इसका वॉल्यूम तबला तर। अरे भाई साहब, इसको अगर आप 10वें माले पे भी बजाएंगे ना तो नीचे गेट पे खड़ा वॉचमैन भी इसके ताल पे थिरकने लगेगा। पूरे मार्केट में जितने भी मोबाइल है ना, उसमें किसी भी मोबाइल में ये मोबाइल के कैमरा जैसा कैमरा नहीं है। अच्छा? हाँ देखिए। अरे इससे आप अपना फोटो खींच के देखेंगे ना, आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि अरे ये मैं हूँ। बढ़िया फोटो आता है ये मोबाइल से। अच्छा? हाँ एक फोटो खींच के देखिए, आपको पता चल। फोन कट कर दिया इसने। बिजी होंगे। कुछ बिजी नहीं है, सुबह झगड़ा हुआ ना हमारा, इसलिए जानबूझ के फोन कट किया है। ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर बाद वापस फोन कीजिए। खींचा खींचा फोटो, मस्त है ना फोटो? कैमरा क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। है ना, और सिर्फ कैमरा ही नहीं, बाकी सब चीजें भी बहुत बढ़िया है मोबाइल में, जैसे उसका स्पीकर। अरे स्पीकर तो इतना जोरदार है, उस पर आप गाना सुनेंगे ना आपको ऐसा लगेगा कि आप बड़े स्पीकर पे गाना सुन रहे हैं। देखिए उसमें है गाना डाला हुआ है, जरा चेक कीजिए, चेक कीजिए। एक मिनट, वो लोग भी म्यूजिक सिस्टम चेक कर रहे हैं। वो बंद हो जाए बाद में, आप इसमें चेक करना, आपको पता चलेगा। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वॉल्यूम बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ाओ। जी जी जी। अभी काम करो। हाँ चलने दो, और बढ़ाओ, मजा आ रहा है। अरे भाई भिड़े। हाँ जेठालाल। मैं जरा बिजी हूँ, जरा थोड़ी देर बाद में फोन कर, ठीक है? काय? अरे जरा इधर दुकान में धमाल धमाल चल रही है, जरा बाद में फोन कर, मैं बिजी हूँ अभी। ओके हेलो हेलो। काय कमाल है, धमाल चल रही है बोल के फोन कट किया, मी कड़े फोन करते है आणि हाथ कड़े धमाल करते है। मराठी का धमाल नहीं होगा, गुजराती का धमाल होगा। मतलब कुछ गड़बड़ हुई होगी, प्रॉब्लम हुआ होगा। अरे काय का प्रॉब्लम, सुबह झगड़ा हुआ उसका बदला ले रहा है वो। आप कब से अज्यूम क्या कर रहे हो? थोड़ी देर के बाद वापस फोन कीजिए आप। ठीक है।
बोलिए सेठ जी। अरे मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम नीचे कर थोड़ा। वो चेक कर रहे हैं। अरे वो पता है लेकिन उनको बोल मैं कितना चेक करेंगे, जितनी देर बजेंगे ऐसा ही बजने वाला है वो। बोलता हूँ अभी बोलता हूँ। अरे बम लागू किया, बजने तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, तो एक काम कीजिए पैक करके घर पे लेके जाइए। पैक कर दूं? डन डन, वेरी गुड। एक काम कीजिए आप बिल दे दीजिए और मैं इसे पैक करवा देता हूँ। ठीक है, आइए आइए, मैं आपका बिल बना देता हूँ। सुना सुना, स्पीकर कितना बढ़िया है फोन का है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत बढ़िया मोबाइल। आप आँख बंद करके ले लीजिए, मैं तो कहता हूँ। हाँ हाँ, इसे पैक करवा दो। ठीक है, ये तो डेमो पीस है, दूसरा मैं फ्रेश आपके लिए पैक कर दूंगा, आप वहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। ठीक है। नटू काका जी, अरे इनका बिल बना देना है मोबाइल का। जी जी, फ्रिज चाहिए? हाँ, सिंगल डोर फ्रिज चलेगा ना आपको? हाँ ठीक। अरे बाका, जरा फ्रिज दिखा मैडम को। ओके, आप वहाँ पेमेंट कर दीजिए। आ जाए आ जाए नटू काका, इनका। ओके, थैंक यू थैंक यू, फिर आना। हाँ वाह वाह नटू काका, आपका जोरदार धंधा हो गया है। यस यस सेठ जी। तो इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जा जा जा, हम सबके लिए कड़क मीठी मसालेदार रजवाड़ी चाय बोल। चाय कितनी गर्मी में। तो क्या फालूदा पिएगा? अच्छा ठीक है, जा 2x4 फालूदा बोल दे। 2x4 पूरा फालूदा पिएगा? आज एकदम लाड में आ गया ये। ठीक है ठीक है, जा सबके लिए एक फालूदा बोल जा। ठीक है, अभी अगर जेठा ने बात नहीं की ना तो मैं बात ही नहीं करूंगा उससे। मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ जा 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 जा। जेठालाल, हेलो हेलो, भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोल भिड़े। अरे जेठालाल, एक प्रॉब्लम हो गया है, मैंने टप्पू को अभी घर पे बुलाया था। तूने टप्पू की शिकायत करने के लिए अगर मुझे फोन किया तो मुझे कोई बात नहीं करनी। तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, टप्पू बचपन से शरारती है और उसकी शरारत कम हो इसके लिए तो मैंने तुझे उसका शिक्षक रखा था। तो अभी अगर तुझे उसकी कोई शिकायत करनी है तो आईने के सामने खड़ा रहे और अपने आप से शिकायत कर। जेठालाल, मैंने टप्पू की शिकायत करने के लिए फोन नहीं किया है भाई। सुबह जो हमारी बहस हुई थी उसके लिए भी मैंने फोन नहीं किया, मैं वो कब का भूल चुका हूँ। अच्छा, तो मैं तो तुझे भाई सुबह ही बोल रहा था कि भूल जा भाई ये सब, तो तू ही मगजमारी कर रहा था। जेठालाल, तुम इस बात को दोहरा के अभी फिर से मगजमारी शुरू मत करो। मैं मगजमारी कर रहा हूँ? तो ये मगजमारी तो और क्या है जेठालाल? आप बनती बातें कर रहे हो, टिकट के बारे में बात कीजिए ना। जेठालाल ये सब छोड़ो ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बोल। बात दरअसल ये है जेठालाल कि मैं और माधवी परसों रत्नागिरी जाने का सोच रहे। क्या है, मेरे साले का घर है वहाँ पे और सोनू भी रत्नागिरी में ही है। तो वो तो दिल्ली गई थी ना? हाँ सोनू दिल्ली गई थी, वो क्या हुआ, मेरा साला है ना नितिन, वो कुछ काम से दिल्ली गया था, तो फिर उसकी मुलाकात वहाँ पे सोनू से हो गई, तो उसने बोला कि चल मेरे साथ रत्नागिरी, तो वो डायरेक्ट रत्नागिरी चली गई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी हमने ये सोचा कि हम भी 4 दिन रत्नागिरी घूम के आते हैं, सोनू को सरप्राइज दे देंगे और आते आते सोनू को लेते हुए आएंगे। तो अभी तूने मुझे फोन किया मेरी परमिशन मांगने के लिए किया कि हम लोग रत्नागिरी जाए कि नहीं जाए? जा 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 भाई, मेरी परमिशन है, जा बिंदास घूम के आ जा। तुम्हारी परमिशन मैं क्यों लूंगा जेठालाल, प्रॉब्लम ये है कि रत्नागिरी जाना तो है लेकिन टिकट मिल नहीं रही है। मैंने एजेंट से बात की तो उसने कहा कि सारी ट्रेन फुल है, तत्काल में भी कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने टप्पू को बुलाया ऑनलाइन चेक करने के लिए कि टिकट मिलती है कि नहीं, तो हमारे सामने 2 टिकट चली गई। अच्छा माँ, तो फिर मैंने सोचा कि किसी और को फोन करूँ, इससे अच्छा तुम्हें फोन करता हूँ। मतलब तुम कुछ कर सकते हो तो देखो। तू रत्नागिरी जाने की तैयारी शुरू कर दे भाई। अरे वाह, माधवी जेठालाल टिकट बुक करवा सकता है? अरे करवा सकता है क्या, समझ तेरी टिकट हो गई। अरे वाह 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 वाह। वो बापूजी के दोस्त है बचाव के, वो मधु काका, तो उनका बेटा है ना और रेलवे में बहुत बड़ी पदवी पे है, तो मुझे भी कभी कभी इमरजेंसी में टिकट चाहिए होती है ना, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो VIP कोटा में से ऐसे करके देते हैं, तो मैं उनको ही फोन करके रिक्वेस्ट करूंगा तो तेरी टिकट हो जाएगी। वाह वाह वाह, मतलब
शाम को टिकट मिल जाएगी ना? हाँ मिल जाएगी। तू एक काम कर, तू है ना तेरा और माधवी भाभी का नाम, उम्र, फिर ट्रेन का नाम, नंबर, वो सब मुझे मैसेज कर दे। तो वो मैसेज में क्या है जो कहते हैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो तेरी टिकट फटाफट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगा जेठालाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। शाम को मिलते फिर। हाँ थैंक यू, बाय बाय। ओके ओके ओके। माधवी फाइनली जेठालाल शाम को टिकट लेके आ रहा है। कर ला ना, इसलिए कब से कह रही थी जेठा भाई से बात करो, काम हो जाएगा। ऐकत ने अजी बात मान लो को। ठीक है जेठालाल करेंगे। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ही ऐसी, कितने भी नोकझोंक हो, कितने भी झगड़े हो, लेकिन आखिर में एक दूसरे की मदद के लिए खड़े ही रहते हैं हमेशा। एक परिवार है ना सोसाइटी हमारी। हम लोग ये सोसाइटी छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अरे कशाला जायचं, हम इस सोसाइटी में रहते थे, रहते हैं और हमेशा रहेंगे। मैं जेठालाल को मैसेज कर देता हूँ। सेठ जी ये लीजिए, भिड़े भाई की रत्नागिरी जाने की टिकट। अरे हाँ भाई, इसी का इंतजार कर रहा था। अच्छा वो लेके आए। अट्टू काका वाह, धंधा बहुत अच्छा हुआ। जी और बगा, धंधा अच्छा क्यों हुआ पता है तुझे? क्यों? क्योंकि आज तूने सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से काम किया। धंधे के टाइम पे तूने बावरी के साथ फोन करके टाइम पास नहीं किया, इसलिए। क्या सेठ जी आप भी, आपको किसी डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि दिन में दो बार बाघा को डांटोगे तो आपकी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। देख भाई, किसी डॉक्टर ने मुझे नहीं बोला है, लेकिन क्या है, किसी भी व्यापारी को अपना धंधा अगर अच्छे से चलाना हो तो अपने आदमियों के ऊपर थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा दबाव बनाए रखना जरूरी है। बड़े सयाने कह के गए हैं कि बिना मतलब का दबाव सेहत के लिए हानिकारक होता है। तेरे बड़े सयानों ने अगर धंधा चलाया होता ना तो ऐसा नहीं बोलते। क्या सेठ जी आप भी, आज सुबह से मैंने आपको एक भी बार डांटने का मौका नहीं दिया, तो आप मौका बना बना कर मुझे डांट रहे हो। अरे मैं डांट कर रहा हूँ, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ भाई, कि आज तूने जैसे धंधे में ध्यान दिया, अगर ऐसे रोज धंधे में ध्यान देगा तो हम सबके लिए अच्छा है ना नंदू काका। You see, Baga, Sir is telling normally. Take it positively. मैं बागा को ये समझा रहा था कि सेठ जी जो कह रहे हैं उसे हकारात्मक पहलू से देख। हाँ समझा बागा। चलो नटू काका मैं निकलता हूँ, आप दोनों भी फिर दुकान बढ़ा के निकल जाना। चलो सेठ जी, ये भिड़े भाई की टिकट। अरे हाँ भाई, ये भूल जाता तो लोचा हो जाता भाई। चलो कितना हुआ दादा? 130 रुपए मैडम। 130। बबीता जी ये लीजिए। प्लीज मैडम छुट्टा दीजिए ना। भाई साहब मेरे पास नहीं है छुट्टा, आप दीजिए ना प्लीज। प्लीज मेरे पास नहीं है छुट्टा। अरे मेरे पास क्या हुआ बबीता जी, क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरे पास 2000 रुपए और इनके पास छुट्टा नहीं है। आज कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं जेठा जी। अरे बबीता जी रुकिए आप, क्या नहीं नहीं 500 का भी छुट्टा नहीं है सर। अरे शांति रखो, दे रहा हूँ भाई। कितना हुआ? 123 रुपए सर। हाँ दे रहा हूँ, रुको। चलो थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी नो थैंक यू, भूल गए आप? गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार, और एक परिवार में नो थैंक यू नो सॉरी। क्या जेठा जी आप भी ना, ना, ना आप भी ना क्या लीजिए सर। हाँ जी अरे कुछ नहीं है इसमें, एक मिनट। निकलो निकलो भाई, आप निकलो, निकल जाओ। हाँ शाबाश। चलिए बबीता जी मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूँ, आइए। नहीं नहीं वो वन सेकेंड। हेलो अरे वाह, सही टाइम पे फोन आ गया किसी का। चलो मौके का फायदा उठा लेता हूँ और चुपचाप सारा सामान बबीता जी के घर पे पहुँचा देता हूँ। खुश हो जाएंगे बेचारे। अरे अभी ओके, हाँ ओके ठीक है, सी यू देन टुमारो, ओके बाय बाय। हाँ जेठा जी, जेठा जी कहाँ चले गए? कहीं सामान लेके घर पे तो नहीं चले गए? अरे यार भाई आप घर पे ही है? हाँ, तुम इधर क्या कर रहे है? और ये सब क्या है? ये बबीता जी का सामान है। तो बबीता किधर है? नीचे ही है, वो किसी का फोन आया तो फोन पे बात कर रहे है। बबीता ने तुमको सामान ऊपर छोड़ने के लिए कहा है? नहीं नहीं
तो फिर यार भाई, इंसानियत जैसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? ये सामान का इंसानियत से क्या कनेक्शन है? अरे यार भाई, एक लेडीज आदमी इतना सारा सामान उठा के पहले माले पर दादर चढ़ के अकेले आए तो क्या अच्छा लगता है? इसलिए मैंने थोड़ी स्त्री दक्षिणीयता दिखाते हुए उनकी मदद की। लेकिन यार भाई, ये गलत है। क्या गलत है? अरे आप अकेले यहाँ घर पे बैठे ऐसे आराम से और बबीता जी को खरीदी करने के लिए भेज दिया, और आपको भी साथ में जाना चाहिए ना। जेठालाल, मैं घर पर नहीं था, मैं अभी 10 मिनट पहले ही ऑफिस से आया हूँ। अरे जेठा जी, आप सारा सामान ऊपर क्यों लेके आ गए? अरे उसमें क्या है बबीता जी, ठीक है ना? हाँ, पर ये सामान मेरा नहीं है। क्या? हाँ, ये अंजलि भाभी का सामान है और मैं उन्हीं को देने जा रही थी। और जेठालाल ऊपर लेके आ गया। उसमें क्या जेठालाल, तुम भी क्या? अरे मैं तो बबीता जी की मदद करना चाहता था, इसलिए ऊपर लेके आ गया। जेठालाल, किसी को भी मदद करने से पहले उसको पूछना चाहिए कि आपको मेरे मदद का जरूरत है कि नहीं। क्या है तो जबरदस्ती मदद करेगा ना तो फिर ये ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, ओके जेठा जी। अय्यर, तुम जरा ये सामान अंजलि भाभी को पहुंचा दो। ओके बबीता, मेरे को ये सामान छोड़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अभी जेठालाल घर पर जाएगा ना तो जाते जाते सामान मैं तो अपने यहाँ छोड़ देगा ना जेठालाल। हाँ देखा, जेठालाल आज हेल्पर मोड पे है। सॉरी जेठा जी, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ लेनी पड़ी। अरे नहीं नहीं बबीता जी, उसमें तकलीफ क्या, और इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं ये सामान मेहता साहब के घर पे छोड़ देता हूँ। जेठा जी एक मिनट, अय्यर जरा तुम जेठा जी को 150 रुपीज दे दो। क्यों? वो नीचे रिक्शा वाले को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो जेठा जी ने दिए थे। अरे नहीं नहीं बबीता जी, जेठा जी, अरे बबीता जी, जेठा जी प्लीज। जेठालाल ये लो, हिसाब एकदम क्लियर होना चाहिए। लेकिन 123 ही हुए। कीप द चेंज, मतलब छुट्टा वापस देने का जरूरत नहीं है। हैं? अय्यर भाई सेट हो गए बड़े। अभी आपने ही बोला ना हिसाब एकदम क्लियर होना चाहिए, तो मैं तो ऊपर का छुट्टा आपको देके रहूंगा भाई। है ना मेरे भाई, वो रिक्शा वाले ने मुझे अभी दिया। ये लो ये 20 रुपया और ये 27 ऊपर का 7। हिसाब क्लियर। चलो मैं चलता हूँ बबीता जी। थैंक यू सो मच जेठा जी। बबीता जी फिर से थैंक यू। भूल गया नीचे मैंने क्या कहा? गोकुलधाम सोसाइटी एट परिवार। सॉरी। अरे सॉरी, ओके नो सॉरी नो थैंक यू। ओके 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 चलो मैं निकलता हूँ। थैंक यू सो मच। अरे वापस थैंक यू बोल रहे हैं। I'm sorry. ओके बाय बाय, सी यू। ओके बाय बाय। ये एनवेलप किसका है? ओ, लगता है जेठा जी के जेब से गिर गया होगा। मैं उनके जाके रोकती हूँ। एक मिनट रुको रुको रुको। क्या भाई, क्यों हंस रहे हो? ये एनवेलप जेठालाल का ही है और मैं ही उसको देगा, लेकिन बबीता आसानी से नहीं देगा। जेठालाल सबके साथ मस्ती करता है, अभी ये टिकट जेठालाल के साथ मस्ती करेगा। टिकट? यस टिकट। ये टिकट आत्माराम और माधवी भाभी का रत्नागिरी जाने का टिकट है, जो कि आत्माराम ने जेठालाल को लाने के लिए बोला था। अभी आत्माराम जेठालाल से पूछेगा कि टिकट किधर है, तो जेठालाल क्या देगा? टिकट तो मेरे पास में। ये तुम लोगों के बीच में ना हमेशा मस्ती चलती रहती है। बबीता, आज अब्दुल शाह पर बहुत मजा आने वाला है। ओ, ये क्या हो गया? जेठालाल की जेब से भिड़े का टिकट गिर गया और ये टिकट आ गया अय्यर के हाथ में। अय्यर जेठालाल को मस्ती का नाच नचाने वाला है। वैसे ये छोटी मोटी शरारतें और मस्ती है वो दोस्ती के नए आयाम हमें देखने को देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मित्रों के, मेरे परम मित्र की ये जो भूलने की आदत है, इससे बड़ी गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि जब थोड़ा शॉप पे भिड़े अपना टिकट मांगेगा
और पता चलेगा टिकट नहीं है तो भीड़ क्या करेगा, और सबसे बड़ी बात जेठालाल क्या करेगा, हम सब लोग क्या करेंगे, यानी कि हंगामा तय। यार यहाँ ये जो हंगामे के सागर है इसमें मस्ती की लहरें उठेंगी जो आपके घरों में हंसी की फुहार छोड़ेगी, तो यहाँ जो होने वाला है वो बहुत हंगामेदार है, मस्ती भरा है और बहुत हंसी भरा भी है। तो बस ये जानने के लिए क्या होता है आगे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.